बालको प्रबंधन की ओर से निशुल्क 20 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कोरबा के वन मंडलाधिकारी श्री अरुण पांडे उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि थिएटर ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे मनोरंजन के साथ साथ लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने नाट्य कार्यशाला के आयोजन के लिए बालको प्रबंधन की प्रशंसा की। बालको के वित्त एवं प्रशासन सह उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस कार्यशाला का निर्देशन भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्म पटकथा व नाट्य लेखक अशोक मिश्र कर रहे हैं। बालको की ओर से आयोजित निःशुल्क नाट्य कार्यशाला के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि कोरबा के वनमंडला अधिकारी श्री अरुण पांडे, प्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्म पटकथा व नाट्य लेखक श्री अशोक मिश्र और विशिष्ट अतिथि वित्त एवं प्रशासन सह उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया गया। नाट्य कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि कोरबा के वनमंडलाधिकारी श्री अरुण पांडे ने रंगकर्मी श्री अशोक मिश्र को साल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कोरबा के वनमंडला अधिकारी श्री अरुण पांडे ने कहा कि थिएटर ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे मनोरंजन के साथ साथ लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने नाट्य कार्यशाला के आयोजन के लिए बालको प्रबंधन की प्रशंसा की। बहुत ही सशक्त माध्यम रंगमंच है जिसकी तुलना किसी अन्य माध्यम से मेरे ख्याल से नहीं की जा सकती। मनोरंजन के साथ साथ एक संदेश जो समाज में जाना चाहिए, उस संदेश को जितनी मजबूती से रंगमंच आपके दिमाग में भेज सकता है, उतनी मजबूती से अन्य कोई माध्यम नहीं कर सकता। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का आयोजन हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम की, इस वर्कशॉप की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यशाला के निर्देशक भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्म पटकथा व नाट्य लेखक अशोक मिश्रा ने कहा कि मनुष्य की समृद्धि कलाओं के बिना अधूरी है। उन्होंने कहा कि बालकों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ कलाओं के विकास के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसी जगह में बालकों में जहाँ कला साहित्य को लेकर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, यहाँ नाट्य कलाशालाएं का आयोजन होता है, उसमें आप सब लोग भाग लेते हैं और अच्छे नाटक पेश करते हैं, फिर कविता के क्षेत्र में काम हो रहा है, क्योंकि कविता कला ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना इंसान बहुत अधूरा होता है। इंसान होने का मतलब ही पूरा तब होता है जब वो कलाकार होता है। कला के पास आने से बहुत सारी चीज़ें सुधरती हैं आदमी के अंदर, बहुत सारा विश्वास पैदा होता है, बहुत सारा चीज़ें समझ में आती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस 20 दिन के काम में हम लोग एक कोई बहुत बढ़िया ड्रामा तैयार करेंगे। नाट्य कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बालको के वित्त एवं प्रशासन सह उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल ने कहा कि बालको प्रबंधन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मित्तल ने आश्वासन दिया कि बालको प्रबंधन भविष्य में कला साहित्य के उत्थान के लिए हर संभव सहयोग देगा। बालको यहाँ अपने प्रोडक्शन एंड बाकी कैपेबिलिटीज में बढ़ाने में सक्षम रही है, उसी के साथ साथ काफ़ी ध्यान हम लोगों ने कोशिश करी है कि कला संस्कृति खेलकूद इस तरह की कुछ कार्यशालाएँ अरेंज करके यहाँ के रहने वाले एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, जिससे कि उसका लाभ उठा पाएँ, उस तरह भी हम लोगों ने काफ़ी काम करने की कोशिश करी है। हम लोगों ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट CSR के नाम से ऑलरेडी वर्क कर रहा है, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से आसपास के गांवों में यहाँ के आसपास के रहने वालों के लिए डिफरेंट तरह की योजनाएं जिसमें चलाई जा रही हैं। हमेशा से बालकों का ध्येय यही रहा है कि जैसे लोक कला महोत्सव है उसमें उसको पूरा अरेंज करना। लास्ट ईयर ऑल्सो मुझे ध्यान है कि 2005 में एक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया गया था जिसमें कि मिस्टर नायक ने करीब 80 या 90 बच्चों को काफ़ी 20 से 25 दिन तक
प्रशिक्षण दिया था और उन्होंने दो बहुत ही सुंदर नाटक यहाँ पे इसी स्टेज पर उसका मंचन किया था जो कि सबने काफ़ी सराहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस थिएटर वर्कशॉप से हमारे यहाँ के युवा और बच्चे पूरा फायदा उठाएंगे एंड इसकी जो टेक्निक्स हैं उसको सीख के आगे अपनी लाइफ में उसको यूज कर पाएंगे। बालको की ओर से आयोजित 20 दिवसीय नाट्य कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर भारतीय जननाट्य संघ की बालको नगर इकाई प्रयास ने उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुक्तिधन का मंचन किया। कलाकारों के भावपूर्ण अभिनय ने कहानी के पात्रों को जीवंत कर दिया। बड़ी संख्या में बालको नगर के नाट्य प्रेमियों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। लड़के को